यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू जबरदस्त गेम प्ले वीडियो में। क्या देख रहे हो, तुम्हारे भाई ने गेम हैक कर लिया है यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो देख ली मीम, तो दोस्तों चेक करो फिर एकदम तकड़ा सा अपना, मतलब सोचो किस तरीके से फंसा होगा यार यहाँ, बता नहीं मतलब हो ही क्या गया। देख रहे हो कहाँ लटक रहा है ट्रैक्टर, सारा ट्रैक्टर हवा हवा में घूम रहा है। और आगे जो प्लेट है अपने गेमिंग कंपनी मतलब AN गेमिंग स्टूडियो नाम से, जो अपनी अरे यार जो अपनी ओनर कंपनी है उसका दोस्तों पोस्टर उस पर ही लटका हुआ है, मतलब सारा ट्रैक्टर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसको निकालने के बारे में सोचते हैं, इसका एक ही निकालने का सोल्यूशन है, DJ चेंज कर दो फिर लटक जाए नीचे को। तो भाई लोग इसके चक्कर में आप अपन अपने मेन टॉपिक से भटक गए। दोस्तों आज का अपना मेन टॉपिक है कि भाई जो अपनी आल्टो थी उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना, और जो अपनी फॉर्चुनर थी उसके बारे में बताऊंगा कि कब तक आएगी, बोले तो कार्स अपडेट कब तक आएगा, लॉन्च डेट कंफर्म हो गई या फिर नहीं हुई, कितना काम बाकी है, कितने परसेंट काम डन हो चुका है, सब कुछ A to Z सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों सब कुछ देखते रहना, जिन्होंने आल्टो नहीं देखी वो आल्टो भी देख लेना, क्योंकि यार बहुत ही कम बंदों ने आल्टो देखी है अपनी, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ यार दोबारा देख लो एक बार। तो दोस्तों जो अपनी न्यू ऑडियंस है उन्होंने तो अपनी फॉर्चुनर भी नहीं देखी है, लेजेंडर तो मैंने चलो कल ही दिखा दी थी, तो दोस्तों वो भी देख लेना, लेजेंडर भी देख लेना। बाकी ये जो इस समय आप इंटीरियर देख रहे हैं ये अपनी आल्टो का इंटीरियर है। अभी रुक जाओ जरा बाहर से अभी दिखाते हैं इसको, मतलब पहले इंटीरियर देख लो क्या ही सड़ा गधा इंटीरियर है, क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले ये तैयार किया गया था, विदाउट स्ट्रक्चरिंग छोड़ दी थी क्योंकि जब आने के लिए रेडी नहीं हुई थी, मतलब जब इसकी डिमांड नहीं थी इतनी तो छोड़ दी थी भाई। जब ये बनाई थी ना तो इसके जब ऐसे ऐसे कमेंट आए थे कि भाई इस डिब्बे को बनाने का टाइम है, इसे नहीं बना रहे, इस वजह से नहीं दी थी, तो इसी वजह से रुकी थी तब का बताऊँ तो मैं आप सभी को। लेकिन आज इसकी डिमांड आ चुकी दोबारा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो दोस्तों इसके बारे में देखो, एक तो इसमें अलॉयज चेंज हो जाएंगे, दूसरा इसके मिरर ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, चौथा उसमें लाइट बढ़िया लग जाएंगी आगे पीछे। और दोस्तों बाकी इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन है आपके दिमाग में तो और बताओ। और फॉर्चुनर में भी वैसा ही सीन है मॉडिफिकेशन का, मतलब आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह, फॉग लैंप और एलोएज, मतलब सारा कुछ सेम सा ही है सारी कार्स में, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है, कुछ में जो ऑफ रोडिंग है उनमें अलग है और जो ऑफ रोडिंग नहीं है उनमें अलग नहीं है। तो इसमें सब कुछ अलग अलग सीन है A to Z। ये थोड़ा नाइट मोड में, जब कभी अपने गेम में नाइट मोड आएगा तो कुछ ऐसा सीन होगा, मतलब रात में कुछ इस टाइप से बनेगी और दिन में कुछ इस टाइप से, मतलब अंतर देख सकते हैं आप दोनों का डे एंड नाइट। अब दोस्तों ये तो चलो दोनों देख ली, बाकी कार भी मैं इंडीवर वगैरह जो इंडीवर तो अपनी ऐड होगी इंडीवर, और दोस्तों फॉर्चुनर लेजेंडर तो मैंने कल ही दिखाई, मतलब कहने मतलब ये है कि बाकी मैं सारी कार्स A to Z ज़्यादातर आप सभी को दिखा चुका हूँ, ताकि यार आप लोग ये ना बोलो कि बाद में कि भाई मतलब ये दिखाई नहीं थी और डायरेक्ट दे दी वगैरह वगैरह, फिर ऐड कर दी इसमें ये चेंज होना चाहिए था, ये चेंज होना चाहिए। तो इस वजह से यार आपने देखा होगा मैं बार बार एक कार को एक हफ्ते में लगभग 2 बार तो दिखाई देता हूँ, क्योंकि यार न्यू ऑडियंस भी आती है और न्यू ऑडियंस भी सवाल उठाती कि भाई हमने तो देखी नहीं थी कि भाई ऐसी ऐड होने वाली, क्योंकि दोस्तों कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखता, तो भाई प्रीवियस देख लिया करो जाकर। और दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई अपना ये जो कार्स अपडेट है ये कब आएगा, क्योंकि यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इस समय मतलब हर कोई इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा, आप लोग देखते हो लेकिन दोस्तों पता ही नहीं चल पाता कि कितना क्या सीन है, मतलब कब आने वाला अपडेट कोई बता ही नहीं पाता तमीज़ से। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा। तो भाई लोग देखो इंडीवर ऐड हो चुकी है फॉर्चुनर लेजेंडर की, इन दोनों की मॉडिफिकेशन डन हो चुकी है। आजकल जो काम चल रहा है वो फॉर्चुनर लेजेंडर पर चल रहा है, जो कि टेक्सचरिंग कलरिंग होने के बाद ऐड होगी डायरेक्ट, मतलब कहने मतलब दूसरी कार जो ऐड होगी वो फॉर्चुनर या फॉर्चुनर लेजेंडर में से एक ऐड होगी, और आल्टो आर्ट्स उसके बाद में काम चलेगा। कहने मतलब अभी भी जो अपना मतलब 4 कार आएंगी तो 25% काम बोले तो इंडीवर का काम डन हो चुका है, बाकी 25% पर काम चल रहा है और 50% काम एकदम रिमेन, कहने मतलब ये अभी आधा काम कंप्लीट हो चुका है, आधा रह चुका है, क्योंकि कार बनी भी पड़ी है और कार ऐड होनी बाकी है, तो इसी वजह से सिर्फ ऐड होनी बाकी है, बनी सब तैयार है, ऐड होने में मॉडिफिकेशन वगैरह ये सब कुछ ऐड होगा A to Z, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस वजह से, नहीं तो ऐड करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यदि मॉडिफिकेशन पहले से हो तो एक व्हीकल को टाइम ऐड करने में टाइम मुश्किल से आधा दिन लगता है मुश्किल से। तो दोस्तों
बस यही है बजट, 50% काम डन हो चुका है, 50% रह चुका है। हिसाब लगा लो कि पिछले जब से काम चल रहा है कार्स अपडेट पर जब से कितने दिन हो चुके हैं और कितने दिन और लग जाएंगे, बस लॉन्च डेट खुद के खुद निकल कर आ जाएगी। अंदाज़ा आप सभी को यही है मतलब कार्स अपडेट की लॉन्च डेट। बाकी दोस्तों मॉडिफिकेशन के बारे में ज़रूर से बताना जो मैंने आपसे बताया कि भाई मतलब ये करने के बाद और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज अपन इसको मतलब अपने स्वराज को येलो करके देखने वाले हैं यार। बाकी आपने अभी गेम प्ले में देखा ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यार बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू दोस्तों, मिलते को न्यू वीडियो, बाय बाय।